हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी, क्रंची और स्पाइसी चिली पटेटो। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सबको बहुत पसंद आता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिससे आपको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मीडियम साइज के 4 आलू को फिंगर चिप्स जैसा काट लिया है। देखिए, पानी को मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें सारे आलू डाल देंगे। आलू को हमें बस 3 से 4 मिनट ही बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। इससे क्या होगा कि जो आलू का स्टार्च है वो सारा पानी में निकल जाएगा, इससे चिली पटेटो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। 4 मिनट हो गए हैं, हम सभी आलू को निकाल लेते हैं। आपको इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, मतलब आलू टूटना नहीं चाहिए। देखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम गरम गरम आलू में चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप जो भी चावल यूज़ करते हैं उसे आप मिक्सर में पीस लें और मैदे की छलनी से छान कर यूज़ कर सकते हैं। और अगर चावल का आटा आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं। देखिए, इसमें हल्की सी चावल की कोटिंग हो गई है, तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। अब हम एक बाउल में 3 बड़े चम्मच चावल का आटा लेंगे। आप इसकी जगह कॉर्न फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 बड़े चम्मच मैदा लेंगे। इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच पीसी हुई काली मिर्ची। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। बस इसमें आलू में हल्की सी कोटिंग हो जाए, इतना ही पतला करेंगे। तो देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब देखिए, जो पेस्ट हमने बनाया था वो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। आलू में हल्की सी कोटिंग हो जाए बस हम इतना ही डालेंगे। तो थोड़ा सा अभी हमने डाला है और एकदम पतली सी, मतलब कहीं कोटिंग रहना चाहिए कहीं नहीं रहना चाहिए, इस तरह से कोटिंग रहना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा आपको कोटिंग इसमें नहीं करना है, मतलब भजिए जैसा आपको इसे नहीं बनाना है। अब हम आलू को फ्राई करेंगे, तो इस तरह से हम एक एक आलू को डालेंगे। देखिए इस तरह से। अभी हम आलू को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे क्योंकि हम इसे डबल फ्राई करेंगे। तो इसे बस इस तरह से वाइट ही निकालना है आपको। अभी आलू में थोड़ा सा पेस्ट और डाल देंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आलू में बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं होना चाहिए, कहीं रहना चाहिए और कहीं नहीं। इस तरह से आप सारे आलू फ्राई कर लें। ये देखिए, मैंने सभी आलू फ्राई कर लिए हैं और इसे मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, अभी हल्का सा फ्राई किया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पैन में 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और इसे चटकने तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे। जो आलू हमने पहले फ्राई किए थे उसे हम डबल फ्राई करेंगे और हल्का गुलाबी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें बारीक कटी हुई 1 चम्मच लहसुन डालेंगे, 2 कटी हुई हरी मिर्ची। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 मिनट हम पकाएंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंची रखना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च को भी 2 मिनट पका लेंगे।
जैसे चाइनीज़ में थोड़ी सी वेजिटेबल्स क्रंची रहती है, वैसे ही इसमें भी हमें क्रंची रखना है। अब हमने जो तिल्ली रोस्ट करी थी वो भी इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सभी सॉसेस डालेंगे, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच चिली सॉस, आधा चम्मच विनेगर, दो चम्मच टोमेटो सॉस। सभी सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, मतलब आधा कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए एक चम्मच शक्कर डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। ये मैंने एक चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है, मतलब कॉर्न फ्लोर लिया है। इसका हम पतला सा पेस्ट बना लेंगे और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए ये इतना पतला होना चाहिए। कॉर्न स्टार्च के घोल को हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालेंगे इसमें। बीच बीच में आप इस तरह से हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालते जाएंगे। ये मैंने पूरा डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें सारे पोटैटो डाल देते हैं और इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे। ये हो गया है तैयार चिली पोटैटो। अगर आपको थोड़ा सा स्वीट बनाना है, मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना है, तो आप इसमें एक चम्मच शहद डाल दें तो ये चिली हनी पोटैटो तैयार हो जाएगा। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे और इसमें से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आपको और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। ऊपर से थोड़ी सी तिल्ली रोस्टेड डाल देते हैं। तिल्ली को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, तिल्ली का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप तिल्ली इसमें ज़रूर डालें।